आज मान नहीं रहा मनीष, हालांकि ये भजन आज गाना सही नहीं है, लेकिन कलकत्ता पहली बार ये किसी मंडल के कीर्तन में आए हैं, इसलिए इसके बात को नहीं डाल सकता। इसने मुझे कहा कि एक भजन गाना ही पड़ेगा, तो आइए। बाबा जो साथ मेरे मैं जो खतरा Oh,
कन्हैया भी आ गए हैं, सिर्फ दो दो लाइन, दो भजन की दो दो लाइन। कई दर से कई लोगों ने मुझे कहा, इसलिए दो दो लाइन दो भजन की। और उसके बाद कलकत्ता में कन्हैया भाई बहुत बार आए हैं, लेकिन तुलसी धाम में पहली बार। लिविंग लीजेंड हमारे श्याम जगत के, और मुझे फक्र है कि मेरे ही टाइटल मित्तल। मुझे तो डर लग रहा है। अच्छा, अरे मोदी जी आप तो इधर आओ, खड़ा हो इनके साथ। बस आप कह रहे हैं देखिए, वैसे तो हिंदुस्तान में बहुत सी जगह ऐसा हुआ जब हम दोनों भाई एक ही मंच पर थे, लेकिन मुझे सुनने का इनको कभी मौका नहीं मिलता, क्योंकि मुझे नंबर हमेशा लास्ट में दिया जाता है सुबह 4 बजे, और कन्हैया भाई को पहला पहला नंबर मिल जाता है। तो 2 घंटा गाने के बाद, 2.5 घंटा 3 घंटा गाने के बाद में कलकत्ता वाले तो फिर भी दयालु है। यहाँ पर कलाकारों की इतनी भरमार है कि 1.5 घंटा में छुट्टी मिल जाती है, 2 घंटा में छुट्टी मिल जाती है मैक्सिमम। बार वाले पूरा कस निकाल देते हैं, जैसे गन्ना में मशीन में डालते हैं ना, 3-3, 4-4 घंटे से। तो 3 घंटा गाने के बाद ऐसी हिम्मत नहीं होती, इसलिए। लेकिन आज क्षमा चाहता हूँ, अगर आपकी इजाजत हो तो दो दो लाइन दो भजन की। और आप ये दरबार, जब तक आप मस्ती लुटाओगे, जब तक बाबा है तब तक ये मस्ती लुटती रहेगी ये दरबार में। इस दरबार की विशेष खासियत है, पहला कीर्तन 36 घंटे का। श्याम मंडल, हमारे श्याम बाबा के नाम के मंडल पुराने पुराने बहुत हैं कलकत्ता में, लेकिन 24 घंटा का होता है। एक ऐसा मंडल जो कल शाम को 5 बजे से कीर्तन चालू हुआ, और अब रात को कितना बजे तक चलेगा ये नहीं पता है बाबा जी। आइए, झुका के दे,
कमा लो नहीं आइए समय काफी हो गया, सिर्फ दो लाइनें हमारे राजीव जी ने विशेष फरमाई से I'm
बता दो पार, पार लगा बाबा के दरबार में परम आदरणीय कन्हैया भाई।